व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग? आप देख रहे हैं चमत्कार नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो पर कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिस वर्ड्स को आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डाल रहा है। ये वर्ड्स है कलर, लेबर, एनालाइज, रियलाइज, सेंटर एंड थिएटर। दिस सिक्स वर्ड्स ऑलवेज lead you to confusions and always embarrass you when you talk to another body or write something in your page. So friends, don't worry, I am here to discuss these words. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर वन वर्ड्स है कलर। कलर का स्पेलिंग को लेकर हम इधर डिस्कस करेंगे। आप हमेशा टीवी की स्क्रीन पर या नेट पर कलर का जो स्पेलिंग है दो तरफ से देख रहे हो, COLOR और एक है COLOUR। आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा स्पेलिंग और कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। COLOR और COLOUR दोनों वर्ड ही करेक्ट है, इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दोनों वर्ड ही सही है। एक्चुअली COLOR जो वर्ड है ये है अमेरिकन इंग्लिश और COLOUR जो वर्ड है कलर ये है ब्रिटिश इंग्लिश। आप सभी को पता है कि हम जो इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इस वर्ड्स अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश से आए हुए हैं। इसलिए कोई वर्ड्स ऐसा है जो सिर्फ अमेरिकन यूज़ कर रहा है या फिर ब्रिटिश यूज़ कर रहा है ये नहीं है। अमेरिकन का वर्ड ब्रिटिश ने ही यूज़ कर रहा है, ब्रिटिश का वर्ड अमेरिकन ने ही यूज़ कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इधर सीखा है कि COLOR अमेरिकन इंग्लिश है और COLOUR ब्रिटिश इंग्लिश है। इसी तरह वर्ड नंबर जो दो है वो है लेबर। इसका भी दो स्पेलिंग है, LABOR एंड LABOUR। लेबर LABOR है अमेरिकन इंग्लिश एंड LABOUR है ब्रिटिश इंग्लिश। चलिए अब जाते हैं तीसरी वर्ड्स की तरफ, एनालाइज। एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। चलिए, ANALYZ है अमेरिकन इंग्लिश एंड ANALYAC है ब्रिटिश इंग्लिश। दोनों ही स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। आप जिस सोर्स से भी चाहे आप सर्च कर सकते हैं, दोनों वर्ड को ही आप पाओगे। अब आते हैं रियलाइज पर, RELIZED RELIZE। एक्चुअली RELIZED इज अमेरिकन इंग्लिश वर्ड एंड RELIZE इज ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। द टू वर्ड्स हेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फील। रियलाइज का मतलब है फील करना। एक्चुअली RELIZED इज अमेरिकन इंग्लिश एंड RELIZE इज ब्रिटिश इंग्लिश, दोनों ही करेक्ट। अब आते हैं फिफ्थ नंबर वर्ड पर, सेंटर। CENTER दोनों वर्ड ही करेक्ट है। CENTER है अमेरिकन इंग्लिश एंड CENTRE है ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह थिएटर भी है, THEATER है अमेरिकन इंग्लिश एंड THEATRE है ब्रिटिश इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आज की बात इस सिक्स वर्ड्स को लेकर कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जो वर्ड्स आप लोगों को इधर शो किया है सभी वर्ड्स का स्पेलिंग सही है। कुछ वर्ड्स ब्रिटिश ने यूज़ कर रहा है स्पेलिंग को और कुछ स्पेलिंग को अमेरिकन ने यूज़ कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर न्यू वीडियो आएगी तो आपके मोबाइल पर फास्ट नोटिफिकेशन जाएगी। और लाइक कर देना। बाय।